मैं जाफर खान वेलकम करता हूँ आपका एक्सोटिक बर्ड्स किंगडम में। सुबह बखैर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ दवाओं के बारे में, किसी एक टॉपिक को लेकर नहीं। आज हम लोग बात करेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और वैक्सीनेशन के बारे में, और बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैंसियर से लेकर न्यू फैंसियर तक जो है वो बड़ा कंफ्यूजन है व्हाट इज वैक्सीनेशन एंड व्हाट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और बिल्कुल वाजे तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या वैक्सीनेशन होता है और क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज वीडियो की तरफ। खुशामदीस फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी तक मैं बात कर रहा था ब्रीडिंग सीजन के मुताबिक, तो ये भी समझ ले कि एक तरीके से ये ब्रीडिंग सीजन के मुताबिक की बात हो रही है, बर्ड्स की हेल्थ के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो फ्रेंड्स मैंने 90% जो है वो फैंसियर से यही सुना है कि मैं अपने बर्ड्स का वैक्सीनेशन करता हूँ हर महीने। हर महीने वो बोलते हैं कि बर्ड्स को फिट रखने के लिए वैक्सीनेशन करता हूँ, और वो लोग वैक्सीनेशन में देते क्या है अपने बर्ड्स को, वैक्सीनेशन में वो लोग अपने बर्ड्स को जो है एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो माय डियर, मैं बिल्कुल वाजे कर दूं आज आप लोगों को कि एंटीबायोटिक का जो कोर्स कराते हैं हम लोग सारे फैंसियर्स अपने बर्ड्स को फिट रखने के लिए, वो एक्चुअली वैक्सीनेशन नहीं है, वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हम अपने बर्ड्स को जो है बीमारियों से बचाने के लिए, पहले उनको फिट रखने के लिए, तैयार करने के लिए, जो बीमार होने से पहले जो दवाएं देते हैं और जो दवाओं का कोर्स कराते हैं, एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स कराते हैं, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है, वो वैक्सीनेशन में बिल्कुल नहीं आता। कतई किसी तरीके का उसको वैक्सीनेशन नहीं करते, वो वैक्सीनेशन नहीं करते हम लोग, वो हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। वैक्सीनेशन मैं आपको बता दूं उस चीज को कहते हैं कि जब हम अपने बर्ड्स को कोई वैक्सीन देके और कुछ वायरस जो होते हैं वो पहले से बर्ड्स के इम्यून पावर को मेंटेन करते हैं, वो वायरस देके, और जो वायरस अटैक बर्ड्स के ऊपर होता है, कई तरीके की जो है वो डिजीजेस होती हैं जो बर्ड्स को इफेक्ट करती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ न्यू कैसल डिजीज का, एंडी जिसको बोलते हैं हिंदी में, या बिल्कुल ओपनली लैंग्वेज जिसको बोलते हैं उसमें रानी खेत की जो प्रॉब्लम कहती है, दिस इज कॉल्ड अ वायरस अटैक। ये जो अटैक होता है बर्ड्स का, वायरस अटैक जो बर्ड्स के ऊपर होता है जिसपे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है, उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है अपने बर्ड्स को। तो उसके लिए हम लोग जो पहले से जो वैक्सीन देते हैं अपने बर्ड्स को, एक तरीके का वायरस अपने बर्ड्स को देते हैं तैयार करने के लिए, उनके इम्यून पावर को बेहतर करने के लिए और उनको इम्यून पावर को तैयार करने के लिए उस डिजीज से लड़ने के लिए जो हमारे बर्ड्स को आ सकती है। तो उसके लिए अगर हम पहले से अपने बर्ड्स के इम्यून पावर को इतना बेहतर और फिट और मजबूत कर देते हैं कि जब अगर कोई वायरस का अटैक मेरे बर्ड्स के ऊपर हो तो वो मेरा बर्ड्स उसको फेस कर ले और उस चैलेंज को फेस करके उससे बाहर निकल आए, तो इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। तो इस वैक्सीनेशन के लिए हम लोग फ्रेंड्स यूज करते हैं लासोटा। लासोटा एक वैक्सीन आती है जो एनडी के लिए, न्यू कैसल डिजीज के लिए बहुत ही बेहतर होती है, और ज्यादातर जो एक्सोटिक बर्ड्स में जो मसला आता है वायरस अटैक का, वो न्यू कैसल डिजीज का ही आता है। अब न्यू कैसल डिजीज जो है वो हवा में जो है वो वायरस आते हैं, एक तो उस तरीके से आते हैं, बाकी अगर कहीं गंदगी होती है और गंदगी में जो है बर्ड्स हमारे चलते हैं और चलने के बाद जो है उसमें चोंचे मारते हैं, तो उस तरीके से ये जो है वो वायरस जो है रानी खेत का, एनडी का, न्यू कैसल डिजीज का, ये हमारे बर्ड्स के अंदर आ जाता है और इसमें सैकड़ों पे सैकड़ों परिंदे एक ही झटके में सब साफ हो जाते हैं। बट अगर हमने अपने बर्ड्स का वैक्सीनेशन किया हो, अगर हर 3 महीने में हमने अपने बर्ड्स को लासोटा वैक्सीन 1 लीटर पानी में 10 ड्रॉप्स डाल के लासोटा वैक्सीन अगर हमने अपने बर्ड्स को दी हुई है, तो इस तरीके के मसलों से हम बिल्कुल जो है वो बेहतर तरीके से निकल सकते हैं, उनको फेस कर सकते हैं और इस तरीके से चैलेंजेस को जो है हम बिल्कुल आसानी से अपने बर्ड्स को फेस करा के निकाल सकते हैं। तो ये हुआ वैक्सीनेशन। बाकी हम लोग जो हर महीने और हर दूसरे महीने जो एंटीबायोटिक का अपने बर्ड्स को कोर्स कराते हैं, तो कभी तो कई सारे जो है वो हमारे फ्रेंड्स हैं वो टेरामाइसिन देते हैं वैक्सीनेशन में, कोई कई सारे हैं वो टेट्रामाइसिन देते हैं, कोई जो है वो डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, कुछ जो है वो वेब्रामाइसिन देते हैं। तो इस तरीके से कई सारी जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं जिनका हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए जो है बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स जो है मैं जो सबसे बेहतर समझता हूँ एंटीबायोटिक, वो एंड्रोफ्लॉक्सेसिन है। एंड्रोफ्लॉक्सेसिन है, आप 1 लीटर पानी में 5 ml एंड्रोफ्लॉक्सेसिन जो है अपने बर्ड्स को दें, इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और वैक्सीनेशन, ये बिल्कुल अलग अलग है। ये बिल्कुल मैं आपको वाजे कर दूं एक बार फिर से कि जो हम लोग एंटीबायोटिक्स जो देते हैं वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है, और वैक्सीन जो हम देते हैं, जो वायरस हम लोग पहले से ही अपने बर्ड्स की बॉडी में पहुंचाते हैं, वो होता है वैक्सीनेशन, उसके लिए हम लोग लासोटा यूज करते हैं। ये इस तरीके से जो है वो बिल्कुल हमने आपको वाजे कर दिया कि क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है और क्या वैक्सीनेशन होता है। तो दोस्तों प्लीज कभी भी जो है आप एंटीबायोटिक का कोर्स कराने के बाद आप ये ना कहें
कि जो है हमने अपने बर्ड्स का वैक्सीनेशन कराया है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए हमने एक एंटीबायोटिक का कोर्स कराया हुआ है। तो इस तरीके से बिल्कुल जो है ये बड़ी जो है वो बहुत दिन से मैं सुनता चला रहा था, तो मैंने कहा अपने दोस्तों को, अपने जो है वो सब्सक्राइबर्स को, पुराने फैंसियर्स को, नए फैंसियर्स को, व्हाट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड व्हाट इज जो है वो वैक्सीनेशन, इसमें बिल्कुल क्लियर कर दूं, दोनों चीजों में डिफरेंस बता दूं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया।